नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, सबके पास मशीन नहीं होती, इसलिए हैंड वॉश से कैसे साड़ियाँ वॉश करते हैं ये आपको दिखाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये पहले सॉल्यूशन बना लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डस्ट लिफ्टर डालेंगे। ये हमने ये पानी निकाला, इसमें हमने क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर डाल दिया थोड़ा। ये कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये NID है, ये NID भी डालेंगे हम, थोड़ा सा NID डाल दिया। और फिर हम क्या करेंगे, ये कलर गार्ड है, ये कलर गार्ड से क्या होता है, साड़ियों का कलर ना छूटने में मदद होती है और शाइनिंग आ जाती है। खाली एक ढक्कन, आधा ढक्कन भी ये बस हो जाता है। तो उसी तरह से लास्ट के पानी में क्या करेंगे, ये सॉफ्ट प्लस है, ये यूज़ करेंगे, जिससे साड़ियों में शाइनिंग आ जाती है, कोई बदबू हो तो वो बदबू नहीं आ जाती है, और खुशबू आ जाती है, साड़ी में चमक आ जाती है। तो हमने ये सॉल्यूशन बना लिया है। तो मैं मशीन से ही साड़ियाँ वॉश करता हूँ सब, मगर आपको दिखाने के लिए ये साड़ियाँ इसमें वॉश करके दिखा रहा हूँ। ये जो साड़ियाँ है, अब इस सॉल्यूशन में डुबा के लेने के बाद हमें सिर्फ इसका फॉल को ब्रश करना है, और फिर 3 पानी में खंगाल के हाइड्रो करना है। तो ठीक उसी तरह से ये भी पीले कलर की साड़ी है, मगर इस साड़ी में क्या है कि ये इसकी जड़ काली पड़ी वाली है, तो ये वॉशिंग में फट भी सकती है। अगर इसको सोलवेंट भी करेंगे ना तो भी कुछ गारंटी नहीं होती, इसलिए कस्टमर को अगर कहाँ पे जर काली पड़ जाती है तो वो बोल के ही लेना, चाहे सोलवेंट करो या वाटर बेस वॉश करो। तो इसको भी इसे में हम डुबा लेते हैं, जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है उसमें, इसको भी हमने डुबा के लिया है। ठीक उसी तरह से ये ग्रीन कलर की साड़ी है, इसको भी हम इसमें डुबा के लेते हैं। और इन सारे साड़ियों का हम क्या करेंगे, फॉल वॉश करेंगे। फॉल वॉश करने के बाद में 3 पानी से खंगालेंगे और हाइड्रो करेंगे। ये अलग अलग कलर की साड़ियां है, मगर फिर भी इनका कलर नहीं निकला है। तो भी हमें ध्यान रखना है कि हो सके उतना जल्दी साड़ियों को वॉश करना। मुझे अनुभव है, इसलिए मैंने ये सभी साड़ियाँ एक साथ भिगो के रखी है। मगर आपको क्या करना है, एक साड़ी लेना है, इसमें डुबाना है, ऑल वॉश करना है, 3 पानी में खंगाल के फिर हाइड्रो करके लेना है। फिर इसी तरह से इसको क्या करेंगे, इसका खाली फॉल वॉश करना है। इसका हमने फॉल वॉश कर लिया। फॉल वॉश हो जाने के बाद में फॉल को खाली ब्रश कर लिया हमने, और ब्रश करने के बाद इसको 3 पानी में खंगाल के हाइड्रो करके लेना है। इसी तरह से सब साड़ियों का फॉल वॉश करेंगे, और फिर 3 पानी में खंगाल के हाइड्रो करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने ये साड़ियाँ वॉश कर लिया है। तो डस्ट लिफ्टर, NID और कलर गार्ड का आपके सामने सॉल्यूशन बनाया हमने। उसके बाद में उसमें एक एक साड़ी डुबा दिया, और फिर इसके फॉल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा ब्रश कर दिया, और फिर हमने 3 पानी में इसको खंगाला और हाइड्रो किया। और लास्ट के पानी में हमने क्या कर दिया था कि सॉफ्ट प्लस यूज़ किया था। तो इसी तरह से ये ड्राई क्लीनिंग होके साड़ियाँ तैयार है, कि हैंड वॉश से कैसे साड़ियाँ वॉश करना ये आपको दिखाना था, इसलिए हमने ये कुछ साड़ियाँ वॉश कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो केमिकल है वो बिंदास यूज़ कर सकते हैं, और
कुछ साड़ियों में प्रॉब्लम भी नहीं होता और शाइनिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।